अगर हीरो ने ना प्लीजर प्लस में थोड़ा अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम और इसका जो स्टेयरिंग थोड़ा अच्छा कर दिया था ना, तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बिकता था। बस ये गाड़ी बिकता ही नहीं है, बस आसाम गवर्नमेंट फ्री में दे रहा है बोल के स्टूडेंट लोग को मिल रहा है, लेकिन ये गाड़ी कोई नहीं खरीदता है। एंड यहाँ पे स्टैंड कार्ड ऑफ सेंसर भी मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। पिंक पिंक वाला इंडिकेटर, यहाँ पे फ्यूल दिखाता है जो कि अभी आधा बराबर है। एंड इसका हॉर्न, इसमें आपको मीटर मिलता है एनालॉग, एंड फ्यूल जो दिखाता है वो भी एनालॉग। यहाँ पे हीरो का साइन है। तो अभी इसका क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, बिल्ड क्वालिटी। तो प्लास्टिक बिल्कुल एंट्रो का तरह है, एंड थोड़ा सा हार्ड है, यहाँ पे एंट्रो से थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है, लेकिन बिल्कुल एंट्रो का तरह ही है। प्लास्टिक है ओवरऑल बॉडी। तो हैंडल ग्रिप भी यहाँ पे प्लास्टिक का दिया गया है। एग्जॉस्ट आप देख सकते हो, एग्जॉस्ट गार्ड भी प्लास्टिक का है, मड गार्ड भी प्लास्टिक का है, एंड सब कुछ प्लास्टिक का है। यहाँ पे लगभग 90% प्लास्टिक्स एंड 10% इसमें मेटल दिया है, जो कि केचिस पे आता है वो सब दिया गया है, एंड सॉकेट जबर पे आता है। तो यहाँ पे आपको डुअल स्टैंड मिल जाता है, साइड स्टैंड मिल जाता है, सेंसर है इसमें। तो ये फूड रेक का क्वालिटी भी उतना खास नहीं है। किक एंड सेल्फ स्टार्ट के साथ आता है ये गाड़ी, तो एक बार नहीं जाएगा। ये देखो स्टार्ट ले लिया गाड़ी, बिल्कुल साइलेंस साउंड है, किल स्विच नहीं है, आपको चाबी को घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना कैरी हुक लगा सकते हो, एंड यहाँ पे किल स्विच आप बना सकते हो। 5 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, एंड गाइस इसमें आपको 7 BHP का पावर मिलता है अलॉन्ग विथ 7000 RPM, एंड इसमें आपको 8.1 Nm का टॉर्क मिलता है अलॉन्ग विथ 5000 RPM। तो पावर फिगर्स, पावर बहुत ही कम लगा मुझे। इसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, लेकिन ये भी प्लास्टिक है, देखो कवर। एंड इंडिकेटर लाइट भी आपको हेलोजन ही मिलता है। ब्रेक लाइट जो है ना, ये भी आपको हेलोजन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ना गाइस LED का कोई सीन देखने के लिए नहीं मिला इस स्कूटर पे। तो मेन रोड आने वाला है, उससे आगे मैं ये सोच रहा था कि आपको थोड़ा बहुत ऑफ रोड कैपेबिलिटी दिखा दूँ इस गाड़ी का। तो देखो छोटा मोटा ऑफ रोड है, यहाँ पे जाने तो जा रहा है बिंदास, लेकिन थोड़ा बहुत वॉबल कर रहा है क्योंकि इसका टायर का साइज़ बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। एंट्रोक से भी छोटा है, एंड पतला है, चौड़ा नहीं है टायर। ये देखो बिंदास चल रहा है, एंड थोड़ा बहुत स्टेयरिंग में ना वाइब्रेशन टाइप का फील हो रहा है, लाइक होता है ना गट गट गट, वैसा ही फील हो रहा है। अभी रोड में जाके देखेंगे नॉर्मल रोड में कैसा परफॉर्म करता है। ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है ना भाई ये स्कूटर, ये बना ही नहीं है ऑफ रोडिंग के लिए। हाँ, और इसका टायर भी थोड़ा अच्छा नहीं है। हाँ, ये ऑन रोड चलाने के लिए सही है टायर, वरना ये बहुत बेकार है टायर। हाँ, ऑफ रोडिंग के लिए ये बना ही नहीं है टायर। हाँ, मैं वही बोल रहा था, नॉर्मल रोड के लिए ठीक है टायर, ये वाला टायर ना। ऑफ रोड के लिए तो ये स्कूटर है ही नहीं ना, बना ही नहीं ना, ये प्लेन्स के लिए बना है, हिल्स के लिए नहीं है ये स्कूटर। हिल्स में तो इसका दम घुटता है यार मेरा, वहाँ पे हफलोंग पे ना थोड़ा बहुत पहाड़ है ना, तो इसका दम घुटता है यार दो जन कैरी करने में ना, मैंने देखा है। तो ये लोर जी मेन रोड पे आ गया। 7 BHP का पावर इज नॉट ओके, सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं यार। मिनिमम आपको 9 BHP 10 BHP तो देना था ना स्कूटर के अंदर, जैसे कि आपने एंट्रोक में आता है। 7 BHP का पावर इज नॉट ओके। तो देखो एक्सेलरेशन कुछ ऐसा है, इसका टॉप स्पीड जो है ना वो बहुत ही मज़ा आने वाला है सुन के। कंपनी क्लेम करता है कितना, 77। तो मैंने कितना उठाया है ना, आई बटन पे जाके देखो, वहाँ पे लिंक आ रहा होगा, मैंने कितना इसका टॉप स्पीड उठाया वो देखो भाई, आप चौंक जाओगे। एकदम गजब वाला वीडियो है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। इसका टॉप स्पीड जो मैंने उठाया ना, वो कंपनी क्लेम से भी ज़्यादा था, एक बार आप जाके देख लो यार। एंड ब्रेकिंग टेस्ट करता हूँ, चलो ये देखो इट्स ओके, बट इसमें आपको ABS नहीं मिलता है, ABS ब्रेकिंग सिस्टम का कमी है। एंड जब से भारत स्टेज 6 आ गया है BS6 इंडियन मार्केट में, तो ब्रेकिंग एबिलिटी ना और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन कंपनी लोग सेफ्टी के मामले में क्यों नहीं जाते है नहीं पता। इस गाड़ी में तो सेफ्टी है ही नहीं यार, ये जो आप गार्ड लगाते हो ना, वो गार्ड भी अगर स्क्रैच होकर गिरता है ना भाई, तो वो जो तुम्हारा मेन बॉडी है ना, उसको भी चोट देता है गार्ड, क्योंकि गार्ड तो मेटल का आता है ना, इसका बॉडी प्लास्टिक है, तो चोट लग जाता है, ठीक है, गार्ड की वजह से भी। तो गार्ड नहीं लगाना चाहिए यार मेरे हिसाब से। तो आप क्या बोलते हो यार, आपका राय क्या है कमेंट सेक्शन में शेयर करो। इंसान का जान का कीमत से ज़्यादा ना पैसा नहीं है, तो ये चीज़ कंपनी को समझना चाहिए था। चाहे इसमें क्यों ना BHP कम है, लेकिन ना ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि वो एक सेफ्टी है ना, लेकिन कंपनी नहीं देते है। ऐसा करने से उनका घाटा हो जाएगा ना, ABS वाला जितना स्कूटर है वो नहीं बिकेगा, यही बिकने लायक है, क्योंकि इसका माइलेज भी अच्छा है यार, ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा दे दे तो। हाँ, इसका व्हील ना बहुत छोटा, देखो
स्पीड ब्रेकर में पता चलता है कि कितना छोटा है इसका व्हील। गाड़ी जो है ना वो पूरा रोता है, दोजन कैरी करने में ना, पिलियन कैरी करने में ना ये गाड़ी रो लेता है, इसका रंग बदल जाता है। एंड पहाड़ी रोड में तो क्या बोले, इस गाड़ी को पहाड़ी रोड में तो कंपेयर ही नहीं करूंगा मैं। बस हाईवे के लिए मस्त है, सिटी के लिए मस्त है, पहाड़ के लिए ये गाड़ी बनाई नहीं है, एंड ऑफ रोड के लिए ये गाड़ी बनाई नहीं, बेकार है ये गाड़ी भाई। वैसे ही आसाम गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है तो चलो अच्छी बात है, लड़की लोग के दे रहा है आजकल आसाम गवर्नमेंट HS सेकेंड ईयर में फर्स्ट डिवीजन लाने वाला को, तो फ्री में मिल रहा है तो कोई बात नहीं, फ्री में इतना मिलना है बहुत बड़ा बात है। देखो देखो भाई, हाथ छोड़ दो, मैं वाइब्रेशन दिखाऊंगा, स्टेयरिंग कितना वाइब्रेट करता है। देखो स्टेयरिंग भी ना इतना बेकार है, भद्दू सा स्टेयरिंग है यार, छोड़ दो ना ऐसा वाइब्रेट करेगा। देखो ऐसा तो नहीं होता यार, थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए था यार। अगर हीरो ने ना प्लीजर प्लस में थोड़ा अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम और इसका जो स्टेयरिंग थोड़ा अच्छा कर दिया था ना, तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बिकता था बॉस। ये गाड़ी बिकता ही नहीं है, बस आसाम गवर्नमेंट फ्री में दे रहा है बोल के स्टूडेंट लोग को मिल रहा है, लेकिन ये गाड़ी कोई नहीं खरीदता है। इससे अच्छा गाड़ी ना गाइस एक्टिवा ही लगता है, प्लीजर प्लस बेकार। तो इसका जो बूट स्पेस है ना गाइस, इसमें हाफ फेस वाला हेलमेट जो है ना वो हो जाता है, फुल फेस वाला हेलमेट नहीं घुसता है। और इसके साथ आता है मेडिसिन का ये कुछ, हाँ ये तो फर्स्ट एड किट, और आता है ये टूल किट, इतना ही बस। कुछ नहीं दिया यार, कुछ नहीं दिया, बस ये स्क्रू ड्राइवर एक दिया, एक रेंच एंड ये प्लग रेंच, एंड फर्स्ट एड के अंदर क्या है देखते हैं। चलो बैंडेज यहाँ पे, एंड ये थोड़ा बहुत ये भी बैंडेज है, मलम मिला है, बस इतना ही। एंड अगर आपको एक स्कूटर देखना है जो अच्छा खासा माइलेज दे, एंड क्या बताए बस कॉलेज जाने के लिए, क्या ये तुम खरीदोगे? इसको छोड़ के ना मैं डियो ले लेता। डियो मस्त है भाई, इससे अच्छा डियो है भाई, वो भी बोलता। अगर डियो को छोड़ोगे ना तो मैं एक्टिवा ही ले लेता। तो ये गाड़ी इसको भी बेकार लगा, लेकिन ये चलाता है बस। तो आज के वीडियो गाइस बस इतना ही, मैंने आपको थोड़ा बहुत फैक्ट बताया इस स्कूटर के बारे में जो कि जेन्युइन था। मैं कुछ इस गाड़ी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, ऊंचा भी नहीं दिखा रहा हूँ, जो जेन्युइन फैक्ट है वो बताया मैंने। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।